तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गियर लगाते समय कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि बहुत दिक्कत का सामना जो है यहाँ पे एक ड्राइवर को करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जैसे हमारे पास गियर नॉब है, अब इस गियर लीवर पे जब भी आप इंगेज करते हैं तो इंगेज करते हुए ही जो गलती होती है वो होती है। अब उसमें क्या होती है, जब भी आप गाड़ी पे गियर लगाते हैं अगर आपका क्लच पूरी तरीके से प्रेस्ड नहीं होता है तो ऐसे में गियर अटकने के चांस होते हैं। और अक्सर जो नए ड्राइवर्स होते हैं जो गाड़ी को स्टार्टिंग में सीखने की कोशिश करते हैं उनसे ये गलतियाँ होती हैं और गियर पूरी तरीके से इंगेज नहीं हो पाता, जिससे जो है गियर लगाते समय दिक्कत जो है देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी तो आपको उस सिचुएशन में जो है अपने गियर को पूरी तरीके से इंगेज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे जो है गियर मतलब क्लच को पूरी तरीके से यहाँ पे प्रेस करके रखना है, उसके बाद ही आप गियर को इंगेज करने की कोशिश करें, तभी जो है आपका अच्छे तरीके से वर्क होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे गियर जब भी आप लगाते हैं, गियर लगाते समय ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, अगर इन चीज़ों को आप ध्यान नहीं रखते तो आपका गियर लगाते समय गलतियाँ हो ही जाएंगी, ठीक है। और गियर पूरी तरीके से अगर इंगेज नहीं रहेगा तो हो सकता है गाड़ी आपकी अटक अटक के मतलब यहाँ पे जो इंजन है वो अटक अटक के चले, ठीक है, मतलब एक साउंड अजीब सा साउंड जो है आएगा। तो उस साउंड को बचाने के लिए आपको जो है जो गियर लीवर है उसको पूरी तरीके से प्रेस्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप जब भी गाड़ी को जो है ड्राइव करते हैं तो आपको एक सिक्वेंसली जो है गाड़ी को कंटिन्यू चलाना होता है और गियर नॉब को देखने के अकॉर्डिंग जो है अपनी गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कभी भी जब भी आप गाड़ी में गियर इंगेज करते हैं तो इन गलतियों को कभी भी ना करें, जैसे कि गियर को पूरी तरीके से इंगेज करने के लिए क्लच का डेफिनेटली यूज़ करें। अगर क्लच का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लच को पूरी तरीके से यूज़ करना है और गाड़ी को मोमेंटम के हिसाब से ड्राइव करना है और गाड़ी को देखते हुए ड्राइव करना है। अगर रोड क्लियर है तो आराम से आप थर्ड फोर्थ गियर पे गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर रोड में आगे जाम है या कुछ है तो अपनी गाड़ी को गियर को तुरंत जो है कम कर देना है। अगर इतना काम कर लेते हैं आप तो जो है आप अपनी गाड़ी को आराम से ईजिली जो है ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और जब भी आप धीरे चलें तो सेकंड गियर या फिर थर्ड गियर का ही यूज़ करें, ठीक है। पांचवी गियर या फिर चौथी गियर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी अगर स्लो चल रही हो तो, क्योंकि उस समय उतनी पावर वो जनरेट नहीं कर पाता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना है आपको। तो होपली आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी और आप भी कमेंट बताइएगा आपके साथ कभी कभी हुआ है ये चीज़ें कि नहीं हुआ है, गियर लगाते समय गियर में दिक्कत आती है या फिर नहीं आती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा।